दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफ्टार की हौसटार सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीजन कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है है जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीण दब्बास असमनी गुलाटिन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीजन के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस होफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलाहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से मौज आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस इस सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर का दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है और टेल के ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तैकाफिन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसके छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे पीस्ट थे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते है। खास हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादी को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर का दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छ पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है हॉफ टेलर उसके ऊपर ही आधारित है, जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या प्रवीण दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालांकि दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनीपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हॉफ्ट सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है आता रहित ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लीड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मोरिया परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे काफ़ देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहां शुरू होती है कहां एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इश्ते काफी देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्त जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है एक बुरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी जा से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह संगीता और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आ कर इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ्टर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसी यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफ्टार की हॉफ्ट सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है और आता रहित ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लेड काफ्ट रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्त वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहां शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्तार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इश्तेफीन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडने पर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह संगीता और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आ कर इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफ्टार की हॉफ्ट सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर है और है इसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटी आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस होफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टैक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसान से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसके छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालाँकि दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादी को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर का दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज, आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छ पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है आता जिसके ऊपर ही आधारित है, जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास अस्मनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित शाहल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको ग्यारह एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको बाईस एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तफिन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रविंट जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे पेश है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते है। खास हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनीपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसार सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित उसके जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या प्रवीण दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्तार पे इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इश्त देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नजर रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर है पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हौसटार की हौसटा जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है रहित जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटी आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आ का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस होफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टाकॉफिन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर हैं और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसान से जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल टिस्का चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर कर दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हौफ्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर हो दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है आता इसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है एक पूरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलाहल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसान से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसके छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे है पीछ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादी को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर का इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसका जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छ पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित रित है हॉफ टेल के ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस कास्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लीड कास्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे काफ्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको ग्यारह एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको बाईस एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालांकि दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नजर रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मीरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है वो तो यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने पर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आ दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसार सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित है थे और उसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस कास्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लीड कास्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगाशा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या प्रवीण दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे काफ्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आकर का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रे की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे पेश थे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यूँ है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते है। खास हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी संगीता और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ्टर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफ्टार की हॉफ सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित है उसके जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आकर का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्तार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर हैं और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे है पीछ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्तों सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफस्टार की हौसटार सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर हो। दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित है जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटी आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है एक बुरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलाहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालांकि दोस्तों इस सीरीज इस के अंदर काफ़ी अच्छे है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता ये है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनेपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादी को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीजन कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छ पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर हो। दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है उसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको ग्यारह एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको बाईस एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है एक पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसके तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे पेश है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता ये है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं खास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनेपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर का दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसका जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित आता रहित उसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस कास्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लीड कास्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या प्रवीण दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यूँ है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हॉफ सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छह पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीजन आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर हो दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है आता और के ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रोनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटिन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस ऑफ्टवेयर की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आकर का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हफ्तार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी अफहकाफिन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर हैं और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे पीस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते है। खास हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आखिर कर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हौसटार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर हो। दरअसल ये जो सीरीज है उसी के ऊपर आधारित है उसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ सरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित शाहल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसान से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस पी यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे पीस थे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनेपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसटा जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है उसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लिड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको ग्यारह एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको बाईस एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार की तरफ़ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे इंजॉय कर सकते हैं जहां पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आकर का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी तक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्त जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी जा से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रही की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालांकि दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मीरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू हुई कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने पर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आ कर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हौसला जिस सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है और है के ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज़ के अंदर जो लेड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर नू मोरिया परवीन दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीजन के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहां शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस ऑफ टार इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इश्तेफीन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों किया है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्त जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से समझ आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस पी यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल हालांकि दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे पीस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नजर रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किडनीपर कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आ कर दोस्त सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस ऑफ्टर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फ़िलहाल के लिए आप इसे YouTube पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि YouTube पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड YouTube पे आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉटस्टार की हॉफ्ट सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छह पॉइंट आठ की है जो कि वाकई है गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीजन आ चुके हैं जो पहला सीजन है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीजन यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर दिखाओ दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है और जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लेड काफ्ट है रोनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाटिन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित साहिल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पे एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आकर का होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस अफ्तार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी अफहकाफीन देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर हैं और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेट बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है फिलहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित रॉय की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल टिस्का चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही उसकी तो छोटी बेटी जो कि जानकर शौक़ में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे ट्विस्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर घुस में घर में घुस जाता है मेरा कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पे हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंह ही था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर दोस्त इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर भी इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे ही इसी यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती है दोस्तों अगर मूवी या फिर वेब सीरीज़ के अंदर ट्विस्ट ना हो तो वो देखने का मज़ा उतना नहीं आता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे डिजनी प्लस हॉफटार की हॉफ्ट सीरीज़ के बारे में साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के अंदर आपको कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे क्या हमें हिंदी में यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आप इस कमाल का वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए साथ ही में इसका अगला सीज़न कब आएगा वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों इसका जो पहला सीज़न था वो 2019 के अंदर आया था और यहाँ पर आपको थ्रिलर देखने को मिलता है और अभी तक की इसकी जो रेटिंग है वो दस में से लगभग छः पॉइंट आठ की है जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है वहीं दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अभी तक दो सीज़न आ चुके हैं जो पहला सीज़न है वो सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और वहीं दूसरा सीज़न यहाँ पर सचिन क्रिस्तन ने डायरेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आपको मिस्ट्री क्राइम और थ्रिल देखने को मिलता है और पूरी तरह से ये आपको एंड तक रखने में कामयाब रखती है हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के बारे में जानते हो या फिर बहुत लोगों ने इसका टेलर हो दरअसल ये जो सीरीज़ है उसी के ऊपर आधारित है आता जिसके ऊपर ही आधारित है जो कि एक घटना है इस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले बात करते हैं इस काफ्टिंग के बारे में तो इस सीरीज के अंदर जो लीड काफ्ट है रौनित रॉय है और इन्हीं के साथ आप सभी को अनंगासा विश्वास तिक्सा चोपड़ा सूर्या शर्मा मल्हार राठौड़ शरद जोशी दिव्या दत्ता मोहन कपूर दिनू मौर्या परवीन दब्बास असमनी गुलाडीन आसिफ बसरा शिल्पा शुक्ला अमित शाहल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे कास्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरीज़ बहुत बड़ी होती है वहाँ पर कास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके दो सीज़न हैं और एक सीज़न के अंदर लगभग आपको 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं वहीं दो सीज़न के अंदर आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे अब रही बात दोस्तों इसको देखने की कहाँ पर अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये जो है वो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ से आने वाली एक सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहें तो इसे आप डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर इसके दोनों ही सीजन आपको मिल जाएंगे और दोनों ही दोस्तों सीजन बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखते हैं क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री है और जो मिस्ट्री होती है वो हमें एंड तक ले ही जाती है खींच लेती है हर कोई दोस्तों वही जानना चाहता है कि लास्ट में आखिरकार होगा क्या कहानी क्या है और कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है ये सब कुछ दोस्तों हर कोई जानना चाहता है इसलिए अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो आप इसे डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर इंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टैक देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कहानी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया रोनित रॉय टिक्सा चौपड़ा जो कि यहाँ पर मुख्य भूमिका के अंदर है और इसके अंदर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस भी देखने को मिलता है हालांकि इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ के अंदर एक डॉक्टर होता है और उनका जो परिवार है उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है अब यहाँ पर वो क्यों है क्यों क्या है वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा और उसे एक मासूम को मारने के लिए कहा जाता है अब डॉक्टर तो दोस्तों जो है वो अच्छा ही काम करता है लेकिन इस बार उसे जो है पूरा काम करने के लिए कहा जाता है बिलाहाल के जो पिछले एपिसोड है इसके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोडक्स कराया जाता है ताकि आपको कहानी आसानी से मौज आ जाए सबसे पहले यहाँ पर एस यानी कि पृथ्वीराज रोनित्रवाई की, की ड्यूटी को अंतिम दिन और वो एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर मीरा आनंद की यहाँ पर एंट्री होती है जिनका रोल किसका चौपड़ा का होता है इनका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसे मुख्यमंत्री यानी कि दिलीप ताहिल को ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी गई होती है मीरा के पति यहाँ पर प्रवीण जी होते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा जो कि इसका बहुत फ़ायदा उठाता है वो पैसे के बदले पेपर लीक करता है और वही तो उसकी छोटी बेटी जो कि जानकर शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है हाल ही दोस्तों इस सीरीज़ इस के अंदर काफ़ी अच्छे है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया साथ ही जो मीरा है उनके घर पर नज़र रखने वाला एक शख्स है आसिम गुलाटी वो आता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर बनकर उसमें घर में घुस जाता है मेरा के कैबिन के अंदर वो एक रहस्यमय शख्स निकलता है और दिखा देता है कि मेरा का पूरा परिवार रात के वक्त जब क्वालिटी टाइम के बिना रहता है अब होता यू है कि उसी वक्त कुछ लोग उस पर हमला करते हैं उस घर पर हमला करते हैं और मीरा पर मुख्यमंत्री को मारने का दबाव बनाते है। खास हैं ख़ास बात यहाँ पर यह भी है कि ऑडियंस को शो तब तक अच्छा लगेगा जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किटने कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सिंगी था और एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय बाद और कुछ पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लेता है और वह मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं आकर इस सीरीज़ के अंदर पूरा मामला क्या है पूरा क्या हुआ है और क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं इनका मकसद क्या है ये आपको दिखाया जाता है हालांकि जब पहला सीज़न एंड होता है तो वहाँ पर जो पर्दे इतने खुलते नहीं हैं लेकिन दूसरे सीज़न के अंदर लगभग वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका तीसरा सीज़न भी देखने को मिले और वो आ भी सकता है लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे डिज़नी प्लस सॉफ्टवेयर पर इंजॉय करिए ये सीरीज़ दोस्तों आपको कैसी लगती है और कौन सा एपिसोड आपको बढ़िया लगता है वो भी आपको वो भी दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए फिलहाल के लिए आप इसे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर इसे रिलीज़ नहीं कराया गया है लेकिन जैसे इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है कोई एपिसोड यूट्यूब पर आता है तो मैं आप सभी को दोस्तों ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप सभी लोग मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है